स्वास्थ्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और ही एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत है जा जी हाँ इस साप्ताहिक का कार्यक्रम में जैसे की जाने लजा कि जाने ल जा कि हमने एगो विषय के संगे आप लोग के आगे आईला जा और स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी बात है वो आप लोग के दे ला जा आज विशेष रूप से हमने बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृश्य दिवस पर दृश्य दिवस यानी आँख संबंधी जो परेशानी है उस सब के बारे में ध्यान देवल जला इ अवसर पर और हर बरिस ग्यारह अक्टूबर के इ दिवस मनावल जला और आज के मेहमान हवन डॉक्टर अमर मुगावा जी जे उफतार मुलुक हव आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा नमस्कार जी हाँ तो जैसे हमने जानिया जा आँख बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हा हनिके शरीर के एकरे से एक दुनिया देखी रह जा हमी के जो शिक्षा बातें एक से आधारित बातें सब कुछ आँख से एक पर निर्भर करेला तो आपसे हम सबसे पहला ये पूछती जब आँख के जो समस्या बातें हाँ कौन कौन तरह के परेशानी हो सकी कौन कौन तरह के बीमारी हो सकी जो आँख का जो उसका जो परेशानी जब हो जा तो अगर एक, जन, एक, एक जना का उसका जो काम है ठीक है वो काम करते हैं सब लोग काम करते हैं वो खाने के लिए पैसा कमाने के लिए वो तो उसका उसमें इफेक्ट होगा ठीक है उसका जो प्रोफेशनल काम है जो भी जो भी काम है जो भी काम जो वो लो लोग करते हैं ड्राइवर हैं कॉपेंटर हैं डॉक्टर हैं एडवोकेट हैं सब लोग आँख का इस्तेमाल करते हैं अगर समझ लीजिएगा अगर एक ड्राइवर का उसका आँख खराब हो गया वो कैसे काम करेगा वो? तो ये बहुत ज़रूरी है बहुत इम्पोर्टेंट ओगन है हमारे स्वास्थ्य के लिए और जो सबसे अगर समझ लीजिएगा और एक, एक बीमारी है और एक जना वो नहीं जानते हैं उसको नहीं पता है कि बीमारी है इसमें बहुत डेंजर होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं क्योंकि तो क्या होते हैं जो बीमारी जो है ना वो हमारा इंतज़ार नहीं करता है वो आगे जाएगा ठीक है अगर वो नहीं जानता है कि बीमारी है तो बहुत खतरनाक होते हैं और अब हम आपसे ये बोल पूछती कि जब हमने ये आँख संबंधी बीमारी के बारे में बात कर राजा तो सबसे पहला जो बातें कतारा कता सामने हाँ ये कौन कलिते की बीमारी है जो कतारा बा अभी क्या उसका अभी अभी इस ज़माने में उसका जो प्रिवालेंस है जो नंबर आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं जो कतारक हैं उसका जो हमारे आँख में एक चीज़ होते हैं उसका उसको बोलते हैं लेंस ठीक है लेंस हमारा जो नेचुरल लेंस है पैलाइज में हुआ है वो जो लेंस जो हैं जब वो ओपासीफाइड हो जाता है ठीक है जैसे आपके लिए एक चश्मा है आगे तो उसका जो ट्रांसपेरेंसी कट कम हो जाते हैं तो कतारक बन जाते हैं तो कितना कम होगा ज़्यादा कम होगा तो कम उसे ज़्यादा कम दिखाई देगा हमको तो जैसे मॉरिशस में जो बातें ज़्यादातर आदमी की जाबे बाती बात चाहे ला माने के लेकिन ये बोला चला कि जे लोग जाबेचिक हवन सा उन लोग के जस्ती खतरा बाई का कोई के जो मॉरिशस में हमारा जो डायबिटीज उसका जो प्रिवालेंस जो हम बोलते हैं इंग्लिश में उसका जो प्रिवालेंस है बहुत हाई है अगर आप जाएंगे हर परिवार में हर परिवार में एक डायबिटिक पेशेंट होगा अगर आप समझ लीजिएगा माँ डायबिटिक है पिताजी डायबिटिक हैं तो बेटा भी डायबिटिक होगा क्योंकि ये जो है बीमारी जीन में है जब एक जना को वो ज्यादा हो गरबा तो उसका जो ज़्यादा उसका जो चांस होगा कताराक मिलने को उसको ज़्यादा होगा और जो जब मिलेगा उसको कताराक अर्ली एज में मिल जाएगी अर्ली एज जब बोला था वह कौन उमिर में, में कतार जब सकी मैंने सकी देखा जो अर्ली एज में आ रहे हैं अभी थर्टी फाइव में आ रहे हैं फोर्टी ईयर्स में आ रहे हैं और दूसरा कतारक जो है जो सबसे कॉमन है उसको बोलते हैं सीनाल कतारक सीनाल सिनार जो होते हैं वो तो बुढ़ापे में आते हैं वो लेकिन बुढ़ापे में हम बोलते हैं सिक्सटी ईयर्स ओल्ड लगभग लेकिन जब अगर एक, एक जना का उसका डायबिटीज बा तो वो पहले से आ जाएगा तो कतार हाँ वो कतारक जो है हाँ जो कतारक है अगर अर्ली स्टेज में है ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है उसका जब हम उफामोलोजिस्ट डॉक्टर हैं हम तो हमारा जो हमारा एम जो है जो हम करते हैं एक पेशेंट को उसको ठीक से दिखाई देना चाहिए अगर चश्मे यूज़ कर सकते हैं समझिए का कतारक है पेरिफेरल कतारक में है अगर चश्मा वो काम कर सकते हैं उसको ओप्टिमम विजन देने का तो चश्मे हम यूज़ करते हैं लेकिन जब हम देखते हैं कि चश्मे काम भी नहीं आ रहे हैं जो तो हमारा चाहिए फिर उसका जो सा ऑप्शन जो है वो कतारक से जो हम बोलते हैं हम कर लेते हैं उसका जो लेंस है हम चेंज करते हैं तो अक्सर देखी ला जाए कि जब कोई के कथाक बाते तो काफ़ी लंबा समय उलो के बोले जरा इंतजार करे के उन लोग के कथाक जो बाते वो अभी पारी नहीं बाते तैयार नहीं होलवाते बाद में उनका और जैसे मैंने आपको बोला था पहले जो कतारक हैं वो डिफरेंट स्टेज में आते हैं अगर पहले स्टेज में हैं अगर चश्मा हम यूज़ कर सकते हैं तो हम चश्मा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारा एम जो है कतारक नहीं निकालने का इमीडिएटली ठीक है हुँ. जो हमारा जो एम है हम करते हैं पेशेंट को उसको ऑप्टिमम विजन देना चाहिए हुँ. क्योंकि उसका जो जो रोज़ का काम करते हैं वो कर सकते हैं ठीक से ये नॉर्मल है हमारे हॉस्पिटल में बोकाए हॉस्पिटल में हम करते हैं मोरिश में मैं बोलूँगा हम एक जैसे एक ही कंट्री हैं अफ्रीका में जहाँ ये फ्री का तरक्स होते हैं है फैको मेसिफिकेशन अगर आप बाहर जाएंगे पूरे देश में वो फ्री नहीं है नहीं। और गवर्नमेंट हमको पूरा सपोर्ट देती है इक्विपमेंट में सब कुछ में वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन अब क्या होता है हमारे हॉस्पिटल हैं हम हॉस्पिटल में काम करते हैं ठीक है पूरा पब्लिक आता है ठीक है जो अगर पूरा पब्लिक आएगा तो हमको एक चीज़ बोलते हैं एगो ट्रियाज करना चाहिए जो सबसे ज़रूरी है उसको डालते हैं एक ट्रियाज हम करते हैं अभी हमारे हॉस्पिटल में अभी सुयाक भी अभी ओपन है अभी फुली ऑपरेशनल है वहाँ भी हम बहुत कर रहे हैं अभी अभी शुरू हुआ इस सप्ताह यानी मोका अस्पताल के अलावा सुयाक में भी आँख के उपयासों होवेला हाँ हाँ जरूर होवेला अभी ढेर हो रहा है अभी तो अभी एक साल में एक बरीस में कितना ऑपरेशन कर इकाता के इका मेरा एग्जैक्ट नंबर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है लेकिन होता है मेरे ख्याल मेरे से पाँच हज़ार से दस हज़ार से हो जाता एक, एक बरिस में एक हो जाती है हाँ। और एक अलावा अक्सर देखे राजा कि ढेर कोई जन बातें वो लोग की शिकायत रहे ला, हाँ। कि उन लोग के आँख में कताक बातें मान ला कोई के अस्सी बरिस हो गल बातें ओकर ऑपरेशन करे में को दिक्कत होवेला वो जैसे आप समझ लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं ठीक है पिप से पोटविज जा रहे हैं ठीक है तो नॉर्मली आपका इस्टिमेटेड टाइम है लेकिन कभी कभार क्या होते हैं जाम आ जाते हैं एक्सीडेंट आ जाते हैं तो इसमें भी कर... सर्जरी में भी जब हम करते हैं ठीक है वो भी कभी कभार वो कम... थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है ये मेडिकल नेगलीजेंस नहीं है तो वो तो कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं अगर समझिएगा पेशेंट को डायबिटिक्स हैं ग्लूकोमा हैं और बीमारी हैं तो उसका जो सर्जरी होगा एक नॉर्मल सर्जरी नहीं होगा वो तो जैसे एक रूटीन सर्जरी जो हम बोलते हैं वो रूटीन का नहीं लेकिन हमको ध्यान में लेना चाहिए पेशेंट को ये बीमारी है ये बीमारी है फिर उसका प्रिकॉशन एक्स्ट्रा लेना चाहिए जो तो कभी कभार कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं ये मैं नहीं बोलता हूँ अगर जिन जिनका डायबिटीज़ हैं उन लोगों का बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं यानी जैसे हम पुस्टी तौर से कि जे लोग के चार कोरी बड़ी दस्य हो गल बात हो वैजर हो गल बातें अक्सर जा कि वो लोग के शिकायत रहला कि कथा बातें लेकिन ये भी आ जा कि कोई के उपकाशों होल बातें और ये लोग खुश भी हो उन लोग एगो आ, कैसे जा आँख से साफ लौका था सब कुछ दिखत हो कितना हद तक सफल रहेगा जब आपने बोला चार कोड़ी जो आदमी अगर मैंने आपको बोला अगर चार कोड़ी उस वो ठीक से जिया ठीक है जिंदगी सफर हुआ तो उसका कुछ और ये क्रोनिक बीमारी नहीं है तो ये होगा ठीक है उसका बीमारी नहीं है अंडरलाइन कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो ठीक से दिखाई देगा उसको अगर समझिएगा एक चार कौरी का आदमी बा चार का आदमी बा और उसका डायबिटीज़ है सब कुछ हाइपर टेंशन है तो सिर्फ कतारक सिर्फ लेंस वो सिर्फ इससे वो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है देखने के लिए दूसरा फैक्टर भी होता है अगर समझिएगा कतारक सक्सेसफुल सर्जरी हो गया वो फिर से नहीं दिखाई दे रहा हैं दूसरा बहुत से फैक्टर होता है जो उसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको उसके कारण हाँ। तो कतारक पर काफ़ी विस्तार से आप जानकारी दे अक्सर हमने एक देखे कि आँख संबंधी और ही कितने बीमारी बाकी हाँ जैसे अक्सर दिखाया जाए कि आँख लाल हो जाला या फिर आँख पीला तो ये हाँ। सब कौन तरह की बीमारी है जो आँख लाल हो जाला पीला हो जाला वो सब बीमारी क्या बोलते हैं ना वो तो सीजनल कभी आती है ठीक है समझ लीजिएगा इन्फेक्शन होते हैं और कभी कभार क्या होते हैं वो जो बीमारी जो है वो अगर समझ लीजिएगा उसका दूसरा डिजीज़ है दूसरा बीमारी है शरीर पे दूसरा का जो मानिफेस्टेशन होता है वो आँख में आते हैं तो लाल आँख आते हैं जैसे अगर किसी को उसका रोमाटोडोटाइटिस है उसको जोजाइटिस मिलेगा इवन अगर डायबिटीज डायबिटीज भी हैं उसका लाख भी आँख भी लाल हो जाते हैं कभी कभार पीला हो जाते हैं ये वो जो बोलते है तो हैं तो सिम्टोम्स हैं ठीक है साइन एंड सिमटोम्स को बोल रहे हैं उसको वो पेशेंट बताती है लेकिन कभी कभार क्या होते हैं वो एलर्जिक हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन कभी कभार वो क्या हो रहा है वो उसका दूसरा जो मैनिफेस्टेशन है दूसरा बीमारी का आँख में दिखाई देते हैं हाँ। और ये भी रहेगा कि अक्सर जो बातें आदमी के आँख में खुजली होवेला बोले लंग साह की आँख में जो बातें ये कौन सी है खुजली जो हो आपको आप आपको एक चीज बताना होता है रोज होता है एक आदमी का उसका खुजली होता है मेरे को भी होता है दो चार हरा उसका मतलब नहीं है कि मैं बीमार हूँ ठीक है कुजली होते हैं ये तो एक्सटर्नल फाक्ट ड होता है अगर सीजनल होता है ये ये हो जाता है ये कुजली का ठीक है उसका अगर बहुत हो रहा है ज़्यादा हो रहा है आंख लाल हो रहा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट चाहिए ठीक है मीन थोड़ा अभी क्या हो रहा है खुजली आ रहे हैं हमारे जमाने में हम बोलेंगे बाद में बता, बता, बताएंगे आपको एक डिजीज़ है उसका ड्राई आई सिंड्रोम वो तो स्क्रीन के कारण ठीक है अभी हम हमारे नया जनरेशन जो है आप भी पोर्टेबल यूज करते हैं ना लैपटॉप यूज करते हैं हाँ। हमारे कैसे क्या बोलते हैं वो हमारा नॉर्मल जरूरत हो गया वो तो उसके कारण आते हैं हाँ। लेकिन अभी जो बातें जैसे टेंडेंसी जो दिखाया जा बहुत ज़्यादा बातें छोटा लड़का से अभी एक बरिस के दो बरिस के लड़का से ही शुरू हो जा पोता बातें टैबलेट बातें हमने घैसा हमने के काम की ज़रूरत बातें वृद्ध लोग भी आज एक इस्तेमाल करत मंजा। लेकिन ये सब कितना एगो आदमी एग सकी इस्तेमाल करे ताकि वो आँख संबंधी परेशानी से सकी बचे और अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जो टैबलेट या जो स्क्रीन है ठीक है अगर आप समझिएगा तीन घंटे के ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आप इस्तेमाल करेंगे रोज़ तो आपका जो ब्लिंकिंग है ना आँख का जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं वो क्या करते हैं जो तीस वो फॉर्मेशन होते हैं लखनऊ में वो नीचे जाते हैं जब आप टैबलेट यूज करेंगे स्क्रीन यूज करेंगे आपका जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएगा आपको ध्यान नहीं आ होगा लेकिन वो कम हो जाते हैं जब आप फिक्स फिक्सिंग करते हैं इसके कारण उसका ये ड्राई आई सिंड्रोम होते हैं फिर कुछ भी आएगा वो आई डिस्कम्फर्ट होगा अगर आपने आपने प्रश्न पूछा एक साल का बच्चा वो एक साल का बच्चा नया जनरेशन है ना अगर माँ बाप वो पोताप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यही देखा ना मेरा बच्चा भी जब मेरा मेरा एक बेटा है जब एक साल का था तो हाँ। वो पोर्टेबल यूज करता था वो देखता था वो हाँ। वो, न, वो इस जमाने का है ना हाँ। हाँ। जैसे आप बोला था बस ज़्यादा से ज़्यादा जो बातें तीन घंटा ही शब्जा एक कर पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित के। नहीं ये जो साइंस बोलते हैं है। समझ लीजिए आपको काम करना है आप सिर्फ तीन घंटे काम नहीं करते हैं अगर आपको टाइप करते हैं आठ घंटा काम करते हैं नौ घंटा काम करते हैं ओब्लिगेशन हो गया तो कभी कभी क्या होता है हमको एक जैसे पोज देना चाहिए या आर्टिफिशियल तेज इस्तेमाल इस्तेमाल करना चाहिए है? जो आर्टिफिशियल तेज हैं वो जो ड्राई आई सिंड्रोम का है, जो कुजली होता है तो एक सब्सिट्यूट जैसे होते हैं ठीक है वो तो हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं सब लोग को बोलते हैं आप यूज़ करो चार चार हारा, एक महीना या दो महीना तीन महीना आप यूज कर सकते हैं एगो एगो जाके ये, हाँ, जरूर मिलेगा ये हम फ्री हमारा जो अस्पताल में है मेडिकेशन वो सब कुछ फ्री है हम चोज नहीं करते और अच्छा मेडिकेशन दी डॉक्टर मुगावा हमने ये भी देखे ला कि ढेर कोई जैसे गाड़ी चलावे रंग सा रात के समय तब उन लोग तनी परेशानी हो जाला ड्राइव करते समय ठीक से नहीं लौकेला अगर ये हो रहे हैं एक आदमी के लिए ये तो खतरनाक हो सकते हैं हमको जानना चाहिए कौन सा क्यों नहीं दिखाई दिया कौन सा डिजीज है उसके पीछे रिफा के चश्मे का जरूरत हो सकता है डाइबिटिक के कारण हो सकता है कतारक के कारण हो सकता है ग्लूकोमा के कारण हो सकता है ये बहुत उसका बहुत ज़रूरी है ये मेडिकल चेकअप एक डॉक्टर डौक, आई डॉक्टर को देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या हुआ अगर उसका जो रिस्क है एक्सीडेंट करने का वो बहुत हाई हो जाएगा और बहुत बाद में वो क्या होता है कतारक हो जाता है कतारक के कारण वो रात को या ग्लूकोमा के कारण रात को कमी दिखाई देती है उन लोगों को अच्छा जिससे उल्लेख आपका रहा था वह ग्लूकोमा हाँ हाँ कैसे हुई कौन तरह से आदमी पहचाने की होल बी जो ग्लोकोमा बा, उसको हम बोलते हैं में बोलते हैं उसको बोलते हैं क्रियोल में जो ग्लोकोमा है उसका बहुत फैक्टर होते हैं एक जेनेटिक फैक्टर होते हैं और दूसरा फैक्टर आशुषीती फैक्टर होते हैं डायबिटीज मेरास और उसका हाइपर टेंशन जब जो ग्लोकोमा होते हैं कभी कभार जब वो मैनिफेस्ट होते हैं हमको हमको पता नहीं चाहिए हमको पता नहीं आते हैं हमको कुछ नहीं कुछ नहीं दिखाई देते वो क्या है आदमी को वो नहीं जानते हैं उसको ग्लूकोमा है लेकिन कभी कभार क्या होता है जब वो ड्राइविंग कर रहे हैं वो जब वो उसका साइड मिरर में देखते हैं तो कभी कभी वो उसको कम दिखाई देते हैं या कभी कभी थोड़ा टीयरिंग आती है फिर उन लोगों को अगर फैमिली परिवार में ग्लूकोमा है तो उन लोगों को चेकअप करना चाहिए डॉक्टर के लिए जाना चाहिए परी जैसे आप बोल तो ई खतरनाक भी है हाँ बहुत खतरनाक है अगर आपने उसका जो उसका जो ट्रीटमेंट नहीं किया टाइम से अगर समझिए कि आप, आपने बोला मेरा कुछ नहीं है तो बहुत बहुत खतरनाक होते हैं कभी कभी क्या होता है आर्मी को उसका पूरा विजन महसूस आते हैंजे से तो सोनीजे से।, से क्या होते हैं विजन जाते हैं पहले फिर फाइनली क्या होता है सेंट्रल विजन भी जाता है और उसका जो ओपनिक नर्व है वो वो मर जाता है और फिर से रिजनरेशन नहीं होगा यानी ई कोई के भी हो सकी हाँ कोई के भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा होते हैं जिन लोगों के इसको उसके परिवार में है लेकिन उन, लो, उन लोगों का भी ज़्यादा चांस है उस लोगों में ज़्यादा प्रिवालेंस है मिलने का लेकिन क्या होता है ना पिछले जनरेशन में पुराना जनरेशन में वो लोग नहीं जानते थे मेरा दादा दादी को भी हो सकता था मैं लेकिन उन लोगों ने टेस्ट नहीं किया था जैसे जिया ऐसी जिया अभी नया टेक्नोलॉजी आया तो हमारा जो स्क्रीनिंग जो है हमारा हम ये फोकस कर सकते हैं हम हमारा मशीन है सोफिस्टिकेटेड मशीन हम जान लेते हैं ठीक है वो ग्लूकोमा बनेगा फोर्टी इयर्स के बाद कभी कभार हाँ, अक्सर 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 हमेशा हाँ। होता है और ये लड़का लोग के भी काफ़ी परेशानी हो गा आँख संबंधी जो न समस्या बातें वो लोग मैं देखी राजा की छोटा उम्र से ही उन के पड़ा चश्मा पहने के हाँ अभी जब हमने हमने बोला अभी हमारे ज, नया जेनरेशन जो है वो टैबलेट में जीता है ठीक है स्क्रीन में जीता है बच्चा अगर समझ लीजिएगा एक साल दो साल का वो जो जो मेरा भी बच्चा है वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं प्रोग्राम क्या है टैबलेट में कैसे करना है एमबूची कौन क्या होते हैं मैं, मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ उन लोगों का जनरेशन है तब क्या होता है अगर ज़्यादा वो नज़दीक का काम करते हैं आप दी दी आपको आप आपको दिखाएंगे कि ज्यादा अभी बच्चे वो लोग चश्मा पहन रहे हैं एक कारण इसका उसका जो स्क्रीन का होते है वो ज्यादा निय काम करते हैं फिर फो उन लोगों को कठिनाई होते हैं देखने के लिए डिस्टेंस में यानी लोके सुरक्षा खातिर ज़रूरी है ये चश्मा पहनने के हाँ बहुत जरूरी है अगर समझिएगा एक बच्चे का उसका जो रिफ्रैक्टिव हुआ पाँच साल या चार साल से उसको चश्मा अगर नंबर ज़्यादा है उसको यूज़ करना है इमीडिएटली और ये वो परेशानी बातें आँख के जैसे अक्सर दिख रहा जा कि कोई आपके दिखाता लेकिन वोरा नहीं दिखाता वो बल्कि बगल में दिखाता हाँ ये का ये जो परेशानी जो बीमारी इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्कुंत ठीक है वो बच्चे में कभी कभार क्या हुँ? जब वो उसका जो एक एक समझिए कि एक मालफोमेशन होते हैं एक इनोवेशन का कमी है एक मस्कुलर डिजोर्डर का कमी हो गया तो कभी कभी एक आँख ज़्यादा बाहर देखते हैं एक बार सीधा देखते हैं तो ये जो अगर ये बीमारी हो गया तो उसका ऑपरेशन करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं कितना उसका डिग्री कितना है कभी कभार वो थोड़ा सा थोड़ा सा डेविएशन है इसे चश्मे से हम क्रेक्ट कर लेते हैं अगर ज़्यादा डेविएशन है तो उसका ऑपरेशन करते हैं अरे हमने एक ये भी देखे राजा कि कोई बड़े रंग सा की आँख के बचा के रखे खातिर कुछ एक्सरसाइज बातें के या फिर खान पान पर भी चाहे ना विशेष रूप से ध्यान दे के एक पर आप कौन सी बोल रहे जो एक्सरसाइज का है जब हम बोलते हैं जब आपने बोला ये बच्चे के लिए जो चश्मे बन वो बनाते हैं ग्यारह बारह साल से पहले समझिएगा पाँच साल से अगर वो चश्मा पहन रहे हैं उसका एक एक एक्सरसाइज हम बोलते हैं उसको बोलते हैं पाचिंग पाचिंग क्या होते हैं एक आंख को बंद कर लेते हैं दूसरे आंख को यूज़ करते हैं फिर दूसरे बार दूसरा आंख को यूज बंद कर लेते हैं इस आंख से कर लेते हैं इसका ये एक्सरसाइज होते हैं क्या वो क्या होता है वो स्टिमुलेशन करता है ठीक है उसका जो अंदर का रितिना है यही उसका एक्सरसाइज करते हैं ये बहुत ज़रूरी है कितना समय वो जाए हो सकता है पाँच साल सात साल आठ साल हुँ. वो डिपेंड करते हैं कितना अगर बारह तेरह साल का हो गया हुँ. तो थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन उसका इफेक्ट उसका जो रिजल्ट ज्यादा नहीं होगा अगर अगर पहले से वो शुरू किया पाँच साल से तो उसका जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो बारह तेरह साल को आप देख यानी एक दिन में तरह के जो समय लिख सकी करेगी एक घंटा या दो घंटा वो डिपेंड करते हैं उसका जो उसका जो नंबर है कितना है और आयस का उसका जो स्थिति कैसे है वो उस, उस पर डिपेंड करता है और ये खान पान पर कुछ बोल बा ये जो हम जो डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए वो लोग क्या खा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी चीज़ उसका जो उसका शुगर वो ऊपर बढ़ेगा उसको उसको नहीं खाना चाहिए और बहुत से क्या बोलते हैं हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं सब्ज़ी फल हैं हमारा इसमें बहुत से जो ज़्यादा अनतोक्सी हैं वो आँख का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है तो उसको हम ज़्यादा खाना चाहिए जैसे ब्रोकोली हैं कारोट्स हैं लिचूस हैं उनमें ज़्यादा अनतोक्सीदें आँख का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होते हैं उन लोगों को, को अंक्रेज करना चाहिए खाने हुँ. के लिए बहुत कुछ बात आपसे पूछे के लेकिन समय की कमी बातें हाँ आखिर में हम आपसे यही बोलती कि आप कौन सी सगभा संक्षेप में बोले जो लोग ये कार्यक्रम देखा था और खास कर जा और ये खासकर जहाँ हमने आज आँख संबंधी परेशानी के बारे में बात करते हैं जो मेरा संदेश है हमारे आँख एक बहुत ज़रूरी उगन है अगर हमको सक्सेसफुल सक, सक, होना चाहिए कॉरिया में काम करना चाहिए जीने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो हमको जब भी हम देखते हैं जब एडवाइस देते हैं और मोरूस में हमारा जो प्रिवालेंस ऑफ डायबिटिक्स का है बहुत हाई है जब ने हमने जब शुरू आपको बोला हर एक परिवार में एक डायबिटिक हैं और डायबिटीज जो होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग में उसका आँख का प्रॉब्लम होगा और कभी माजोरिटी uh, केसेस में क्या होता है इरिवर्सिबल स्टेज में आ जाते हैं वो तो उसका प्रोग्रेशन इतना ज़्यादा जाते हैं तो जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों को आई स्क्रीनिंग इमो इंपोर, बहुत इम्पोर्टेंट है करने के लिए डॉक्टर के लिए उफ्तार मजिद के यहाँ जा, जाना चाहिए और गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी बहुत ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं रेटिनल स्क्रीनिंग का पूरा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मेरी क्लिनिक में वो लोग कर रहे हैं जैसे कि डॉक्टर जी बतैलन कि के आँख के सुरक्षा खातिर ये जरूरी बातें कि के हनिके पर चेकअप करावे के और हर बरिस एगो आदमी जिम्मेदारी ले अपन आँख के चेकअप करावे के एगो डॉक्टर लगे जाय त बेशक ओकर आँख संबंधी बीमारी से सकी बचे ता उम्मीद करत है जा कि जो जो सुविधा प्राप्त बातें अस्पताल में आक संबंधी उस सबसे आप लोग लाभ उठाई बजा त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के इ के हमने घे पर ही विराम देव जा और प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा अभी खातिर हमनिके और के पूरा टीम के आज्ञा देवे जा नमस्ते